देखिए जम्मू में लिटरेचर का सीन अभी बहुत अच्छा नहीं है, और आप देख रहे हैं कि कम्युनल वायलेंस जो है वो हाई पे है हमारी कंट्री की, अभी क्या हालत है हमारी स्टेट की क्या हालत है। तो लिटरेचर वो मेडिसिन है, लिटरेचर वो चीज़ है जो एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। तो छोटे छोटे बच्चों को पोइट्री सिखाना, छोटे छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा कर क्या होता है कि जब वो लोग बड़े होंगे सो दे विल ग्रो अप विद अ विजन, तो कल को यही बच्चे लीडर्स बनेंगे हमारी सोसाइटी के, और बहुत ही एक कह सकते हैं पीसफुल एनवायरनमेंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये चीज़ नोटिस की जब मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया कि हर बच्चे में एक आर्टिस्ट है, हर बच्चा एक पेंटर है, हर बच्चा एक पोएट है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपना आर्ट भूल जाते हैं, वो और ही चीज़ों पे फोकस करने लग जाते हैं। जैसे कुछ क्लीशे करियर्स हैं कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उनको लगता है ये चीज़ें ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो अगर हम स्कूल्स वगैरह में इंस्टीट्यूशंस में पोइट्री सिखाएं या लिटरेचर की बात करें तो ये बच्चों की जो इमेजिनेशन है ये ज़िंदा रखी जा सकती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नॉट बी किलिंग चिल्ड्रंस इमेजिनेशन, वी शुड बी नर्चरिंग इट। ये जो आज का जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें दो चीज़ें हम दिखला रहे हैं, एक तो है लद्दाख की फोटोग्राफी, लद्दाख के वेटलैंड बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ, नेचर, लैंडस्केप, पीक्स एंड पासिस ऑफ लद्दाख, और दूसरा जो है वो आज हम एक शो केस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री ऑन चांगथांग। चांगथांग रीजन जो है इट इज़ स्प्रेड ओवर 1600 स्क्वायर किलोमीटर्स इन लद्दाख। थ्री ग्रेट लेक्स लाई इन दिस रीजन, सोकर लेक, पेंगोंग, समरीरी लेक। तो यहाँ की हम दिखा रहे हैं वेटलैंड बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ, चांगपास जो यहाँ के शेफर्ड्स हैं, जो पश्मीना गोट्स को वो के ब्रीडर्स हैं, उस पर है ये।